वेलकम बैक टू द कोड विद इन इंजीनियर। जेंगो की सीरीज का ये लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट के अंदर हमने देखा था कि हमने कैसे हमारे जेंगो को इंस्टॉल किया, पाइथन इंस्टॉल किया। तो मेरे चैनल के ऊपर और भी काफ़ी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड HTML CSS की वीडियोस पड़ी हैं, पोर्टफोलियोज वीडियोस, आप उनको देख के और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कैसे हमने पाइथन इंस्टॉल करनी है, डाउनलोड किया, फिर हमने उसको इंस्टॉल किया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हमने कैसे हमारा प्रोजेक्ट फर्स्ट बनाना है, हमारा हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया। उसके बाद हमने देखा कि हम कैसे इंस्टॉल करते हैं हमारी जेंगो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। हमने हमारा एक प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर हमने फिर जेंगो को इंस्टॉल किया, फिर हमने देखा हम कैसे हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट मेरा एक्टिव है, ऊपर देखिए मैंने एक कमांड लगाई है /scripts/active। तो इसके मीन ये होता है कि इसके अंदर जो फाइल पड़ी है ना एक्टिव, उसको एक्टिव कर दो। अब यहाँ पे हम बनाते हैं ऐप। हमने ऐप का नेम रखा है होम, पाइथन मैनर डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप। वो अपने याद रखना जब भी ऐप बनानी है होम। अब ये मुझे क्या कह रहा है कि भाई आपका जेंगो इम्पोर्ट नहीं है। अच्छा, तो मैंने क्या किया कि लास्ट टाइम जो जेंगो है ना हमारा, तो प्रोजेक्ट के बाहर इंस्टॉल कर लिया था। अब प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये अब इंस्टॉलिंग हो रही है। रिसेंटली जब हमने किया तो मुझे हमें बता रहा था ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। बट हमने अब जब इंस्टॉल किया तो अब वो ये पहले मैंने इंस्टॉल कर लिया था इधर, ठीक है, जहाँ प्रोजेक्ट ENV पड़ा। तो अब हमने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल किया जेंगो, देन ही वो जाके ऐप बनाएगा। अब ये हो रहा है, इंस्टॉलिंग हो रही है। तो ये VNV को हम ये प्रोजेक्ट्स वगैरह बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे हम बनाएंगे हमारा न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसका नाम होगा ऐप, ऐप के नाम से, ठीक है। ये हम एक ये बात आप क्लियरली मतलब क्लियर कर लें, एक होता है प्रोजेक्ट, एक होता है ऐप। प्रोजेक्ट जो होता है, हम जो भी कहीं कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके अंदर पहले प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके बाद ऐप बनाते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर फाइल्स होती हैं के अंदर हम लिंक कर देते हैं, सेटिंग्स होती है जैसे, ठीक है, URLs होते हैं, ठीक है। तो ऐप वही होता है जिसके अंदर हमने वर्किंग करनी होती है। अब मैं यहाँ पे ऐप बनाता हूँ, प्रोजेक्ट अगेन वो बैक करते हैं, हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं जी होम। एक सेकंड, वो यहाँ पे लिखेंगे हम ऐप के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप। तो ये होम, होम मैंने नेम लिखा है, और ये देखिए हमारा जो होम का फोल्डर है वो बन गया। तो अब इसके अंदर उसने ऑटो ही कुछ फाइल्स बना के हमें दे दी हैं, जिसके अंदर हमें वर्क करना है। जब हम अगर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वर्किंग करेंगे तो हम ये फाइल्स यूज़ करेंगे सारे जितने भी हैं, एडमिन ऐप मॉडल्स टेस्ट व्यूज ये सब। तो अब हम चलते हैं व्यूज़ के अंदर। तो हम यहाँ पे हमारे जो व्यूज़ होते हैं उनको डिफाइन करते हैं, लॉजिक्स वगैरह फंक्शंस वगैरह यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। देन उनको हम कॉल करते हैं URLs के अंदर, जहाँ पे हम बनाते हैं पाथ, ठीक है। फर्स्टली हम व्यूज़ बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारी जो index.html होती है उसको यहाँ पे हमने कॉल करना होता है। फिर उसके अंदर कौन कौन से हमें फंक्शंस परफॉर्म करवाने हैं वो बताना होता है, ठीक है, व्यूज़ के अंदर। तो यहाँ पे जितने भी हमारे पेजेस होंगे सबका व्यूज़ पहले बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मॉडल्स के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम मॉडल्स बनाते हैं हमारे वर्किंग से रिलेटेड, जैसे हम शॉपिंग ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हैं तो उसके कुछ मॉडल्स होते हैं वो यहाँ पे बनते हैं, जैसे कि ऐड टू कार्ट्स हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट्स वगैरह हो गया। तो अब मैं एक और ऐप बनाता हूँ अकाउंट्स का। तो आप अलग अलग ऐप बना सकते हैं जब आप काम करेंगे ना किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, जैसे ई कॉमर्स के ऊपर। तो हम एक पहले ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट ऐप बनाएंगे जिसके अंदर हम ई कॉमर्स की सारी सेटिंग करेंगे, ठीक है। फिर हम बनाएंगे उसका ऑथेंटिकेशन के। अब जो भी ऐप आपने बनाना है उसको आपने सेटिंग डॉट पी वाई के अंदर ज़रूर ऐड करना है, ठीक है, अदरवाइज ये वर्किंग नहीं करेगा। जो हमारी सेटिंग डॉट पी वाई जो हमारी असल प्रोजेक्ट होगा वो उसके अंदर होगी। तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना, एक प्रोजेक्ट होता है और एक होता है ऐप। अब मैंने यहाँ पे दोनों नेम्स ऐड कर दिए हैं, ठीक है, जो दोनों मैंने ऐप्स बनाए। अब हम चलते हैं सर्वर को रन करते हैं। ये मुझे कह रहा है भैया आपने फिर माइग्रेशन अप्लाई नहीं की। कौन सी माइग्रेशन भाई? मैंने अप्लाई नहीं की वही जो हमने यहाँ पे ऐप्स बनाए उसकी जो माइग्रेशन से कहता आपने अप्लाई नहीं की।
ठीक है, तो आपका जो है ऐप वो सही तरह वर्किंग नहीं करेगा। ये जो हमने सेटिंग डॉट पी वाई के अंदर ऐड की है, माइग्रेशन होंगी ना इसकी, तो हम इसको माइग्रेट कर लेते हैं। कंट्रोल सी करेंगे तो सर्वर आपको क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ जी पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। ओके, या माइग्रेशन अप्लाई कर रहा है जो हमने सेटिंग डॉट पी वाई के अंदर ऐड किए। अकाउंट्स और होम जहाँ हमारे लिए तो सिर्फ ये दो ही हैं, ऐप्स हमने ऐड किया और उसने तो अपने सारे माइग्रेशन जितने भी हैं माइग्रेशन अप्लाई कर देनी, उसके ऊपर कर दी। हम सर्वर को लाइव करते हैं। अभी हमारी पोर्ट का पाथ है ठीक है 8000। अब मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड एक सेकेंड, ये अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ये जो जैसे हमने रिसेंटली हमारे लेक्चर के अंदर देखा था कि हमने कैसे हमारा ऐप को क्रिएट करके लॉन्च किया था, बिल्कुल ये वैसा ही है, मगर इसके अंदर थोड़ा सा हमने क्लियर किया है कि कैसे हमने व्यूज़ को यूज़ करना है, कैसे हमने इवेंट्स को यूज़ करना है, कैसे हमने मॉडल्स को यूज़ करना है, कैसे हमने जो हमारा ऐप है वहाँ पे उसको ऐड करना है सेटिंग डॉट पी वाई के अंदर। तो ये हमारे क्या वो हमें बता रहे हैं कंग्रेजुलेशन आपका भी हम जो फर्स्ट ऐप है वो क्रिएट हो चुका है। अब बाज़ात ये होता है कि हम एक ही टाइम पे दो प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने दो वीएस कोड ओपन किए हैं, एक हमारे पास जो उधर रनिंग में और एक इधर है। अब जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट है वो तो 8000 है, उसने तो वही यूज़ करनी है। अब दोनों जगह पे एक तो यूज़ नहीं हो सकती, तो हम रन सर्वर के आगे पोर्ट का नाम लिख के जो भी हमने चेंजिंग के लिए अप्लाई करनी है वो लिखेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं, मतलब 2000, 9000, 8000 नहीं लिखना आपने, क्योंकि 8000 जो है वो करंटली रनिंग के अंदर ही है। ठीक है, उसके अलावा आप जो मर्जी लिखें, तो हमारा प्रोजेक्ट अब रनिंग के अंदर है तो कोई इशू भी नहीं कर रहा। तो ये था इस सीरीज का सेकंड लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा कि हमने कैसे ऐप्स वगैरह बना के तो कैसे उनको वर्क करवाना है, तो कैसे सेटिंग डॉट पी वाई के अंदर ऐड करना है। ठीक है, तो ये है जो आप कुछ हो रहे हैं डी बी डॉट एसक्यूएल के लिए डाटाबेस। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने लिंक की हुई है, बाय डिफॉल्ट होती है। ठीक है, तो बाकी जब हम वर्किंग करेंगे तो हमने जो भी डेटाबेस यूज़ करनी होगी हम वो यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे MySQL होगी, MongoDB होगी, जो भी यूज़ करेंगे आप। ठीक है, अभी यही थे ओपन नहीं होगी, हम देखें ये भी देखेंगे कि इसको ओपन करने के लिए हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं। सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को फॉर नेक्स्ट लेक्चर।